दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लंबाई बढ़ाने के घरेलू नुस्खे के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लंबाई बढ़ाने के बारे में वो हर एक जानकारी देंगे जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बता सकता। जैसे कि हाइट न बढ़ने के मुख्य कारण क्या क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या होता है और क्या कारण है जिनकी वजह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर पाता, आपको क्या खाना है, क्या नुस्खा लेना है, किन किन चीजों से परहेज करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कैसे एक्टिव करना है जिससे हाइट को तेजी से बढ़ा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप सचमुच अपनी लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी परेशानी उठा सकते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों लंबाई बढ़ाने से पहले या लंबाई बढ़ाने वाले किसी नुस्खे को लेने से पहले हर इंसान का एक ही सवाल होता है कि हमारी लंबाई कितनी उम्र तक बढ़ती है। तो हम आपको बता दें कि हमारी लंबाई हमारे शरीर के ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड करती है। हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 18 वर्ष की उम्र तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और इसी दौरान हमारी लंबाई तेजी से बढ़ती है और 18 साल के बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अपना काम करना कम कर देता है जिससे हमारी हाइट 24 से 25 साल तक धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ टेक्निक और मेथड ऐसे भी हैं जिनकी मदद से हम अपनी लंबाई को 30 साल की उम्र तक आसानी से बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी तरह के एक चमत्कारी नुस्खे के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप अपनी लंबाई को 30 साल की उम्र तक भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि हाइट ना बढ़ने के मुख्य कारण क्या क्या है। इसका सबसे पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर यानी कि माँ बाप की हाइट का कम होना। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर की 40% हाइट माँ बाप की हाइट पर डिपेंड करती है। अगर माँ बाप की हाइट कम होगी तो बच्चों की भी हाइट कम होगी और बची हुई 60% में से 40% हमारे खानपान पर डिपेंड करती है कि हम कैसी डाइट लेते हैं और बाकी की 20% हमारी एक्सरसाइज पर डिपेंड करती है। इसीलिए अच्छी हाइट के लिए सही डाइट और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हाइट न बढ़ने का अगला कारण है वजन का ज्यादा होना। दोस्तों कई बार हमारी ग्रोथिंग एज में हमारे शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है और शरीर पर मोटापा आ जाता है, तो ये भी हाइट न बढ़ने का मुख्य कारण है क्योंकि अगर शरीर का वजन ज्यादा होगा तो हाइट बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगी। पढ़ाई का दबाव या किसी प्रकार की चिंता का होना, जी हाँ दोस्तों ये भी हाइट के न बढ़ने का कारण है और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है। फ्रेंड्स ये तो थे हाइट न बढ़ने के कारण। चलिए अब जान लेते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ये क्या होता है और कैसे काम करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो शरीर में अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। इसे HGH के नाम से भी जाना जाता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच होता है और इसी हार्मोन पर डिपेंड करता है कि हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी। जिसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसकी हाइट उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। वैसे तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए बाजार में बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं जिनसे आप अपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करके अपनी हाइट को 35 साल की उम्र तक भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन दवाइयों से हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इनसे कई तरह के साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसीलिए आप इन दवाइयों का प्रयोग न ही करें तो अच्छा होगा। दोस्तों अब आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में तो जान ही चुके हैं कि ये क्या होता है और क्या काम करता है। चलिए अब आपको बता दें कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्टिव क्यों नहीं रहता या समय से पहले अपना काम करना बंद क्यों कर देता है जिससे हमारी लंबाई बढ़नी रुक जाती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के एक्टिव न रहने का सबसे पहला कारण है डाइट। दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी हार्मोन को अच्छे से काम करने के लिए उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसी तरह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी हमारे शरीर में अच्छे से काम तभी करेगा जब हम अपनी डाइट में सही मात्रा में न्यूट्रिशन लेंगे। आपको अपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव रखने के लिए कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर डाइट लेनी पड़ेगी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के एक्टिव न रहने का दूसरा कारण है शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी का होना। दोस्तों किसी बीमारी की वजह से भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे हाइट का बढ़ना रुक जाता है। बीमारियों की बात करें तो जैसे कि शुगर, मलेरिया या किसी भी तरह का बुखार लंबे समय तक होने के कारण भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता।
अगर आप भी समय समय पर किसी न किसी बीमारी के शिकार बन जाते हैं तो आपको अपनी डाइट में विटामिन सी और आयरन वाले फूड शामिल करने हैं, क्योंकि विटामिन सी शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, और साथ में ये फूड शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन रखते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के एक्टिव न रहने का तीसरा कारण है नींद का पूरा न होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन 8 घंटे की नींद नहीं लेते या आपके सोने का शेड्यूल गलत है, आप सही समय पर नहीं सोते, तो ये मान के चलिए कि आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अच्छे से काम नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर की ग्रोथ एक्टिविटी रात को सोते समय ही होती है। हमारे शरीर के बाल, नाखून, दाढ़ी और लंबाई रात को सोते समय ही बढ़ते हैं, इसीलिए प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। गहरी नींद आपको तभी आएगी जब आप रात को जल्दी सोएंगे और सुबह में जल्दी उठेंगे। ये थे वो कारण जिनकी वजह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्टिव नहीं रहता। चलिए अब बात करते हैं हाइट बढ़ाने वाले नुस्खे की। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जो सामग्रियां लेनी है वो इस प्रकार हैं। 100 ग्राम काले तिल। दोस्तों काले तिल के अंदर मिथोनाइट्स और ट्रिटोफेन नाम के दो महत्वपूर्ण एसिड होते हैं, जो शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। 200 ग्राम अश्वगंधा पाउडर। जब भी हाइट बढ़ाने की बात आती है तो उसमें अश्वगंधा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, और आयुर्वेद में तो हजारों साल पहले से ही लंबाई को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अश्वगंधा के अंदर ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के स्तर को बढ़ाते हैं। 100 ग्राम काली मूसली। दोस्तों अश्वगंधा के साथ साथ काली मूसली भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका प्रयोग हाइट को बढ़ाने के लिए सदियों से किया जाता है। 50 ग्राम आंवला पाउडर। आंवला पाउडर हमारी हाइट को ग्रो करने में बहुत ही मददगार है, और यह विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। 250 ग्राम बादाम। दोस्तों बादाम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, इसके अंदर हाई प्रोटीन, विटामिन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फाइबर और पोटेशियम, ये सभी चीजें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। ये हमारे शरीर में आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ये हैं वो 5 सामग्रियां जिनकी आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। ये 5ों सामग्रियां आपको किसी भी पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएंगी, नहीं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपने इन सभी चीजों को पाउडर के रूप में लेना है, यानी इन्हें बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद इन 5ों को आपस में मिला लें। मिलाने के बाद आपका नुस्खा तैयार है। दोस्तों ये लगभग 700 ग्राम सामग्री हो जाएगी। इसे आपको 15 दिनों तक इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपको एक चीज और खरीदनी है, वो है कैमल मिल्क, यानी कि ऊंटनी का दूध। जी हाँ दोस्तों, कैमल मिल्क के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक, ये सभी चीजें पाई जाती हैं, जो लंबाई बढ़ाने में बहुत ही कारगर हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जहाँ ऊंट पाए जाते हैं वहाँ के लोग बहुत लंबे होते हैं। उनकी अच्छी हाइट का एक ही कारण होता है कैमल मिल्क। वैसे तो कैमल मिल्क हर जगह मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमल मिल्क के पाउडर को आप ऑनलाइन खरीद लें। इस नुस्खे की आपको प्रतिदिन 1 चम्मच सुबह खाली पेट कैमल मिल्क के साथ लेनी है, और 1 चम्मच रात को सोते समय भी कैमल मिल्क के साथ लेनी है। अगर आप इस नुस्खे को लगातार 15 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी हाइट में आश्चर्यजनक फर्क दिखेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। दोस्तों लंबाई को बढ़ाने में जितनी जरूरी डाइट होती है और नुस्खा होता है, उतनी ही जरूरी एक्सरसाइज भी होती है, क्योंकि हम जो डाइट और नुस्खा लेंगे उसको शरीर में अच्छी तरह हजम करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, हमारे शरीर की हड्डियां और मसल्स का तेजी से विकास तभी होगा जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। हाइट को बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, क्योंकि इससे आपकी हड्डियां और मसल्स का खिंचाव होगा, जो हाइट को बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद रहती है। आप बाबा रामदेव जी के द्वारा बताए गए योगासन भी कर सकते हैं, जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन और हलासन। ये तीनों योगासन करने से भी हाइट तेजी से बढ़ती है। हमारे इस नुस्खे को लेते समय आपको कुछ बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा शरीर 70% पानी से बना होता है, इसीलिए शरीर के विकास के लिए शरीर में पानी की कमी न होने दें। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं, क्योंकि हमारे शरीर पर किसी भी नुस्खे या दवाई का असर तभी होगा जब हम उस नुस्खे के साथ साथ उसके परहेज भी करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस नुस्खे को लेते समय आपको किन किन चीजों से परहेज करने हैं। चाय और कॉफी पीना छोड़ दें, क्योंकि चाय और कॉफी के अंदर कैफीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर से कैल्शियम को खत्म कर देता है। इसके कारण हड्डियों का विकास होना रुक जाता है, और इसी कारण से हाइट बढ़नी भी रुक जाती है।
तो आपने इस नुस्खे के साथ चाय और कॉफी से परहेज करना है। अगर आप चाय और कॉफी पीने के ज्यादा शौकीन हैं तो आप इनको छोड़कर ग्रीन टी पी सकते हैं। फास्ट फूड या ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने से बचें। दोस्तों, फास्ट फूड और ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। इससे न तो हमारे शरीर को कोई फायदा मिलता है और न ही किसी भी तरह के नुस्खे का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तो जब तक आप इस नुस्खे को लेते हैं तब तक इनके परहेज जरूर करें। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं और इस नुस्खे को लगातार लेते हैं तो आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी ये आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपकी हाइट 15 दिनों में 3 इंच तक बढ़ सकती है। अगर आपकी उम्र 18 के बाद 24 या 25 साल तक है तो आपकी हाइट 2 इंच तक बढ़ने के चांस हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से भी ज्यादा है या 30 साल तक है तो आपकी हाइट 1 इंच तक जरूर बढ़ेगी। हमने आपको इस वीडियो में सभी बातें पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आपको कोई परेशानी हो या आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। हेल्थ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हेल्थ डायरेक्ट को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आगे की आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।